तो भाई साहब एक्सप्लोर का 50वां कंट्री हो गया है, दिस इज कंट्री नंबर 50। चास बहुत बातें करनी आप लोगों से, पूरा हिसाब दूंगा कितना। चलो 3,20,000, 8,20,000, तो 8.5 लाख के अंदर दुकान के बीच में से कैसा है? बहुत बढ़िया। लेट्स एक्सप्लोर सेंट्रल अमेरिका, बेलीज, ग्वाटेमाला, एल साल्वाडोर, होंडुरस, निकारागुआ, कोस्टा रिका एंड पनामा। इस सीरीज में दिखाने वाला हूँ मैं पूरा सेंट्रल अमेरिका, जहाँ पे मैंने रोड ट्रिप किया था टोटल 80 दिन और स्पेंड किया 1 लाख से भी कम, और देखे 7 सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज सारे बाई क्रॉसिंग लैंड बॉर्डर्स एंड हैविंग फन ईटिंग एंड एंजॉय एंड पार्टी। सो लेट्स एक्सप्लोर सेंट्रल अमेरिका विद योर एक्सप्लोरर राजा। हाय, ये है कोस्टा रिका का एग्जिट सेंटर, और इधर हम लोगों ने पे किया $9। $9 पे करने के बाद अभी हम लोग जा रहे हैं कोस्टा रिका छोड़ के मेरे 50वें कंट्री पनामा में। जी हाँ, 3.5 साल घूमते आ गया बंदा 50 कंट्री में। ये बहुत बड़ा नंबर है मेरे लिए, मेरे को नंबर्स पसंद है। कल मेरे इंस्टाग्राम में 10,000 फॉलोअर हुए, और यूट्यूब छोड़ दो बट 50वां कंट्री में जा रहे हैं। और चलो चलो एक्सप्लोर के साथ, ये वीडियो खास है, ये हिस्टोरिक है मेरे लिए। तो हम लोग थे कोस्टा रिका और पनामा के इस लैंड बॉर्डर पे, जहाँ पे ये छोटा ब्रिज क्रॉस करने के बाद हम लोग घुस जाएंगे पनामा, और आज हम लोग जाने वाले पनामा के इस फेमस बोकास डेल तोरो आइलैंड वाले प्रोविंस पे। चलो, 17 फरवरी कोस्टा रिका को अलविदा कह दिया, और अभी जा रहे हैं ब्रिज क्रॉस करके फिर से लैंड बॉर्डर, मतलब नदी। बस एक लैंड बॉर्डर पर नदी मिस हुआ है, जो कि निकारागुआ से पनामा वाला कोस्टा रिका वाला था, ये वाला फिर से नदी है, नदी क्रॉस करेंगे और फिर जाएंगे। तो उधर से आ गया, लोगों ने पासपोर्ट चेक किया बट ऑफिस का कुछ ज्यादा पता नहीं। दुकान के बीच में से कैसा है? बहुत बढ़िया बढ़िया कैसा है? बहुत बढ़िया। कूरी क्या रस? कूरी वामोस वामोस तू कासा। पनामा के लोग तो बहुत एनर्जी में आ गया ना, 50 कंट्री वाला बंदा उसलिए एनर्जी में। एनीवे, फटाफट इमिग्रेशन करते हैं, और एक प्रॉब्लम है बट प्रॉब्लम नहीं है बट प्रॉब्लम किसी को लोग को दे रहे हैं, वो सॉल्व करते हैं। अपना पनामा का इमिग्रेशन। तो भाई साहब एक्सप्लोर का 50वां कंट्री हो गया है, दिस इज कंट्री नंबर 50, दिस इज बिग। स्टैम्प मिल गया है, पनामा में एंट्री मिल गया है। अपने को क्या क्या रूल्स है सब मैं बताऊंगा वीडियो के दूसरे भाग में, बट 50वां वाले कंट्री में स्वागत है, बहुत खुशी हो रहा है। ऐसे तो मैं सेलिब्रेट करता नहीं, पैसे वैसे एकदम खर्च करता नहीं, किसी पे कुछ भी नहीं खर्च करता, बट 50वां कंट्री है, कोई और होता तो पैसे से शैंपेन उड़ा रहा था। मेरे पास शैंपेन का तो बजट नहीं है, बट मैंने वो शटल ले लिया है जाने के लिए अपना डेस्टिनेशन, वहाँ पे सबके लिए मैंने ज़िंदगी में पहली बार पैसा खर्च कर रहा हूँ, सबके लिए मैंने बियर लिया है। चलो चलता है 50वां कंट्री है, आप अगर हो तो मेरे साथ आपको भी पिलाता। मज़ा आ रहा है, खुशी अलग सर मिल रहा है। ऐसे तो बॉर्डर क्रॉस करते रहता हूँ, कौन सारे कंट्रीज गया हूँ, बट 50 बहुत बातें करनी है आप लोगों से, पूरा हिसाब दूंगा कितना खर्चा हुआ अब तक का, सब बताऊंगा, बने रहो वीडियो में। 50वां कंट्री है, लास्ट सीन में देखा कि मैं बहुत खुश था क्योंकि मेरे 50 कंट्री हुए थे, बट अभी मूड मेरा बहुत ख़राब था क्योंकि जो ये शटल था इसने मुझे बताया था $8, पर शटल में बैठने के बाद बोल रहा है $10, तो मेरा दिमाग ख़राब हो गया। और फिर घर से कॉल आया, फिर घर वाले बोले क्या तू $2 के लिए मूड ख़राब कर रहे थे, 50वां कंट्री हुआ सेलिब्रेट कर, बट इस $2 बचा बचा के ही मैंने 50वां कंट्री हुए आज। पर कोई बात नहीं,
उसको भूलते हैं, अभी थोड़ा सेलिब्रेट करते हैं इन बाकी लोगों के साथ जो था मेरे साथ इस बॉर्डर क्रॉसिंग में। तो यार मैंने पासपोर्ट चेक कर रहा है कितने वीजा है मेरे पासपोर्ट पे। तो अच्छा लग रहा है, तो नए कंट्री में आए हैं और एडवेंचर ना हो कैसे चलेगा। ये मैंने लिया था शटल $10 में और यहाँ पे एक बड़ा नदी है। बड़ा नदी को क्रॉस करने के लिए अभी जो सिग्नल लग रहा है हम लोग को अपना लगेज लेके खुद जाना पड़ेगा। गाड़ी इधर रुका है और फिर उधर दूसरा शटल है, तो अलग ही सीन है यहाँ पे। आप लोगों को बताता हूँ, वैसे पनामा में यूज़ किया जाता है एक करेंसी जिसका वैल्यू डॉलर की तरफ है, तो आप मान लो यूएस डॉलर यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे स्पेनिश भाषा बात की जाती है और क्या क्या है और बताते रहेंगे। अभी बज रहे यहाँ पे 2 और आप सेंट्रल अमेरिका में इतना दिन अभी सब कंट्रीज़ में 1 बज रहा है, तो 1 घंटा हम लोग पीछे आ गए, आगे तो अभी यहाँ पे 2 बज रहा है, जबकि कोस्टारिका और पिछले सारे कंट्रीज़ में 1 बज रहा था। तो हर कंट्री के बाद सेम टाइम सेम था, बट यहाँ पे 1 घंटा इंडिया के पास आ गया है। अभी इंडिया में बज रहे 12:30 और यहाँ पे बज रहे 2। तो यहाँ पे स्ट्राइक चल रहा है, वरना तो ये ब्रिज से गाड़ी ज़्यादा ही है, बट स्ट्राइक चल रहा है उसकी वजह से हम लोग को पैदल ये ब्रिज क्रॉस करना पड़ रहा है। और इधर भी शायद इलेक्शन वगैरह है कुछ, वैसा ही स्ट्राइक वगैरह चल रहा है, तो पैदल ब्रिज क्रॉस करना पड़ रहा है। और फिर उधर इन्हीं का एक दूसरा गाड़ी होगा, दूसरा गाड़ी लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे। बोकस दिल तोड़ो जा रहे हैं हम लोग। बोकस दिल तोड़ो आइलैंड है, बहुत ही खूबसूरत आइलैंड है, पनामा के इस साइड में है। आज है 17 फरवरी 2022 थर्सडे। इट्स अ गुड डे टू बी इन अ न्यू कंट्री। धूप निकली हुई है और ये पनामा का पहाड़ी साइड है। पनामा एक्चुअली बहुत बड़ा कंट्री है कंपेयर करें निकारागुआ के बाद, अगर कोई दूसरा बड़ा कंट्री तो पनामा है। क्यों, बट ज़्यादा कुछ है नहीं, ज़्यादा सिटीज स्टॉप्स है नहीं, उसकी वजह से छोटा लगता है, बट असल में बहुत ही बड़ा कंट्री है। वेलकम टू पनामा गाइस। आगे दूसरे गाड़ी पे और ट्रैफिक जाम लगा है हम लोगों को अभी। तो यहाँ पे मेरे घर में 2 दिख रहा है, पर यहाँ पे एक्चुअली 3 बज रहे हैं और हम लोगों को पहुँचना पड़ेगा। कब हम लोग को पहुँचना पड़ेगा? 6 बजे से पहले, लास्ट फेरी 6 बजे बजाती है, बट हम लोग पहुँच जाएंगे 6 बजे से पहले। ज़्यादा दूर नहीं है, 20-30 किलोमीटर दूर है। तो 4 बजे पहुँच गए हम लोग फेरी टर्मिनल पे और $6 का छोटा फेरी है, फेरी लेके जाएंगे हम लोग भोपाल से तोरो आइलैंड। तो अभी बोट लेके जाना पड़ेगा और $10 का टिकट है, रिटर्न टिकट 1 वे $6, रिटर्न टिकट $10 जाने आने के लिए। ये है पनामा आपके लिए, एकदम जहाँ पे मैंने बोट लिया था मिली।
देखो पानी का रंग, फिर से वही बेलीज जैसे पानी का रंग है खूबसूरत। पहुँच गए बुकतोरो में, आइलैंड के मेन आइलैंड पे, 4:30 बजे। पानी बहुत साफ है यार, पानी बहुत साफ है। तो पीछे जो घर है वो वहाँ पे मेरा काउचसर्फिंग होस्ट है, और काउचसर्फिंग होस्ट के वहाँ पे मैंने रख दिया अपना बैग, और अभी थोड़ा 1-1.5 घंटा चिल करूँगा यहाँ पे आइलैंड किस एरिया पे, और आप लोगों से बातें करूँगा, आप लोग इम्पोर्टेंट हो। और साथ ही साथ काउचसर्फिंग, काउचसर्फिंग एकमात्र अच्छी, बहुत अच्छी चीज़ है ट्रैवलिंग में, और काउचसर्फिंग बदौलत ही आज शायद मैं यहाँ पे 50 कंट्री में पहुँच पाया हूँ, वरना शायद ना पहुँच पाता। मैंने काउचसर्फिंग बहुत सारे कंट्रीज़ में यूज़ किया है, 20-25 कंट्रीज़ में तो यूज़ ही किया है, और काउचसर्फिंग के बदौलत आज मैं यहाँ पे 50 कंट्री पे खड़ा होकर आप लोगों से बातें कर रहा हूँ। आज बहुत बातें होगी। काउचसर्फिंग से मैंने प्राइम मेंबरशिप ले लिया था, मतलब उसका वेरीफाइड लाइफ टाइम का, और फिर बहुत पैसे बचाए काउचसर्फिंग से। ट्रैवलिंग करेंगे तो पैसे की बात तो आएगी, आज पैसे की बात करते हैं। मैंने लास्ट कोस्टरिका ऐड कर लिया था, और कोस्टरिका में मेरे 12 दिन में 14,000 खर्चे हुए, और पनामा में 5 दिन रहने वाला हूँ, तो मान लो 5 दिन में मेरे 10,000 खर्चे हो जाएंगे। तो सब ऐड करके मैं बताऊँगा 50 कंट्री का मेरा कितना खर्चा आया। मेरे पास सब लिखा है, सब हिसाब लिखा है, मैं आप लोगों को पहले से पहले बता रहा हूँ। पहले जब मैं गया था ट्रिप, पहले इंटरनेशनल ट्रिप में जब मैं गया था 2018 के अक्टूबर एंड में, मैं गया था मलेशिया, मेरी फर्स्ट इंटरनेशनल कंट्री, सिंगापुर, फिलीपींस, इन तीनों कंट्री घूमने के बाद मकाओ गया था। मकाओ को मैं कंट्री नहीं काउंट नहीं करता क्योंकि वो कंट्री है नहीं, कुछ लोग काउंट करते हैं, अपने में से कोई एक बड़ा ट्रैवलर है जो मकाओ गया है उसको काउंट करता है, बट मकाओ है नहीं, फिर मकाओ भूल जाओ। मकाओ के बाद मैं इंडिया आ गया। इंडिया में आने के बाद उस छोटे से 23 दिन के ट्रिप का खर्चा आया था टोटल 60,000, बहुत महंगा था मेरे हिसाब से, बट फर्स्ट ट्रिप के लिए बहुत सही था। 60,000 मैंने खर्चा किया था मेरे फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप में, जहाँ पे मैंने गया था 3.5 कंट्रीज़ में, तो 3 कंट्री पकड़ लेते हैं। इंडिया में तो बचपन से घुमाऊँ दोस्त लोग फैमिली के साथ, तो वो मेरा पहला कंट्री हो गया, तो हो गया मेरे टोटल 4 कंट्रीज़। फिर मैं अपने स्कूल के अच्छे दोस्त के साथ गया था भूटान घूमने। भूटान गया था क्योंकि मैं वेस्ट बंगाल हूँ तो भूटान मेरे पास पड़ता है, और 6 दिन का भूटान का ट्रिप का खर्चा आया था हम लोगों का अराउंड 4,000 रुपये पर पर्सन। तो 4,000 रुपये मान लो राउंड फिगर 65,000 टोटल खर्चा आ गया। फिर मैं फैमिली के साथ गया था नेपाल घूमने उसी साल, नहीं अगले साल 2019 के मार्च में फैमिली के साथ गया था नेपाल घूमने, तो उसमें मेरा तो कुछ खर्चा आया नहीं, पर अगर मैं खुद से भी करता तो 5,000 या फिर 10,000 में निपटा देता, तो मान लो 75,000 खर्चे हो गए टोटल 6 कंट्री घूमने के लिए। फिर 2019 में मैंने लिया एक अटेम्प्ट, हाँ वो लिया था मैंने जनवरी में यूएस वीज़ा का बहुत बड़ा हाथ है मेरे यहाँ 50वें कंट्री में आने का। जैसे अभी पनामा में हूँ, पनामा में इंडियंस को वीज़ा चाहिए, बट आपके पास अगर यूएस वीज़ा हो तभी आप पनामा आ सकते हो, शेंगेन वीज़ा से आप पनामा नहीं आ सकते, सिर्फ यूएस वीज़ा होना चाहिए मल्टीपल एंट्री तभी आप आ सकते हो पनामा में। और अभी हम लोग पनामा में हैं यूएस वीज़ा के बदौलत, और यूएस वीज़ा के बदौलत आज मैं यहाँ पे हूँ अपने 50वें कंट्री में। आप लोग को थोड़ा पनामा का फ्लैग तो दिखा दो, और पनामा का फ्लैग ऐसे हम इंडियंस को तो हर कंट्री में वीज़ा लगता है, वीज़ा फ्री वाले कंट्रीज तो मैं शायद हाथ से 10 या फिर 5 पे गया हूँ। तो जब मेरे को यूएस का वीज़ा मिला था 2019 के फर्स्ट हाफ में, तब मेरे को लगा था यार इसको इस्तेमाल करना पड़ेगा, इसके मतलब तो बहुत सारे कंट्रीज मूव था वीज़ा फ्री है, जैसे कि लैटिन अमेरिका, तो चलो लैटिन अमेरिका घूमते, तब मेरे दिमाग में आया था लैटिन अमेरिका घूमते। तो मैंने शेंगेन वीज़ा लिया, टर्की गया, जॉर्जिया गया जो कि यूएस वीज़ा से फ्री है, फिर गया यूरोप, यूरोप में घूमा मैं तब 23 कंट्रीज़ घूमा 3 महीने में। उसके बाद मैं गया अर्जेंटीना, फिर उरुग्वे, फिर चिले, फिर बोलीविया, फिर पैराग्वे, फिर ब्राज़ील। ब्राज़ील में कोविड में फंस गया, कोविड के बाद इंडिया वापस आया, फिर वहाँ से फिर मैं गया
रशिया, आर्मेनिया, यूक्रेन, ट्यूनिशिया, यूएस गया फाइनली, फिर मेक्सिको, बेलीज, ग्वाटेमाला, एल साल्वाडोर, होंडुरस, निकारागुआ, कोस्टा रिका और पनामा में 50 कंट्री होते हैं अपने पूरे। तो पहला जो ट्रिप था, अभी तक मैंने आपको बताया 75,000 खर्चा हुआ था इंडिया पकड़ के, नेपाल भूटान पकड़ के। और मेरा पहला फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप। और फिर एक दूसरा वाला ट्रिप था जो शुरू हुआ था टर्की में और ख़त्म हुआ था ब्राज़ील में, ये टोटल था 11 महीने का। और इस 11 महीने में मैंने खर्चा किए थे, एग्जैक्ट क्या दिन रहता है पर मैं लिख के रखता हूँ हर खर्चे, एक सेकेंड लाइन पर रखा यहाँ पे मैं सब लिख के रखता हूँ अपने सारे खर्चे। या मेरा वर्ल्ड ट्रिप वन का खर्चा टोटल आया था 4,25,000 11 महीने के लिए, 4,25,000 मैंने खर्चे किए थे। और पहले का था 75,000, तो ऐड कर लो हो गया टोटल 5 लाख खर्चा आया था अपने 37 कंट्रीज़ का, 37 कंट्रीज का 5 लाख खर्चा था। फिर अब ये वाला जो ट्रिप शुरू किया मैंने, और इस ट्रिप में अपने हो गए टोटल 8 महीने हो गए। और 8 महीने में पनामा का 10,000 छोड़ के कितना खर्चा है बताता हूँ, 8 महीने में पनामा का 10,000 खर्चा हो जाएगा, 10,000 में निकल जाएगा, कम में निकल जाएगा एक्चुअली, 3,20,000 तो हो गए उधर 5 लाख और 3,20,000, 8,20,000। तो 8.5 लाख के अंदर मैंने 50 कंट्री घूम लिया आपके एक्सप्लोरर ने। और अभी आप लोग मुझसे इतना पैसा कैसे आता है, पैसा कितना आता है उसका अलग वीडियो बनाऊंगा क्यों बने करके, बट ये जान लो 8 लाख, 8.5 लाख के अंदर 50 कंट्री विथ आवर इंडियन पासपोर्ट, नो अदर कंट्री रेजिडेंसी, मैं घूम सकता हूँ तो आप भी घूम सकते हो। आप इसको 5 लाख में भी कर सकते हो, 50 लाख में कर सकते हो, बट अगर मैंने 8 लाख, 8.5 लाख में किया तो आप 10 लाख में तो आराम से कर ही सकते हो। बस यही है, अभी सबको घर वालों को बताता हूँ कॉल करके, खुशी की बात है। ऐसे तो बॉर्डर क्रॉस करता हूँ, खुशी की बात है 50 कंट्री। इंस्टाग्राम में स्टोरी डाल चुका हूँ ये एक्सपी राजा पे, ये वीडियो लेट आ रहा है बट क्या कर सकते हैं, सिंपल लॉजिक है, 8 महीने से घूम रहा हूँ, 8 महीने शूट करूँ तो उसको डालने के लिए मेरे को दिन का गैप भी दूंगा तो कम से कम मेरे को 17 महीने लग जाएंगे या फिर 16 महीने लग जाएंगे। ये वीडियो बाद में आएगा, तब तक 100K हो गया तो क्या बात, अगर ये वीडियो आता है तो 100K नहीं हुआ यार, लालच है आप लोगों पे, लालच है। पानी बहुत सुंदर है ना, साफ पानी है एकदम बेलीज जैसा। मन कर अभी छलांग लगाओ बट अभी नहीं लगाऊंगा क्योंकि बैग है ना, बैग में सामान वामान है तो रेस्पॉन्सिबिलिटी भी तो बनता है। बाकी सनसेट इधर से हो रहा है, अभी यहाँ पे 5:30 बजे का सनसेट नहीं हुआ है क्योंकि टाइम पीछे हो गया है, सेंट्रल अमेरिका में 5:30 बजे हो रहा था, अभी यहाँ पे 6:30 बजे होगा। खूबसूरत चार दिन लाए पर आज थोड़ा धुंधला है, कल बहुत साफ था कोस्टा रिका में, पनामा में थोड़ा धुंधला लग रहा है। कैरिबियन आइलैंड में चल रहा हूँ मैं, शाम के 9 बज गए, आज खाना पकाने का भी मन नहीं कर रहे हैं तो बाहर ही कुछ खा लेंगे। तो रोड साइड स्ट्रीट पे ढाबा पे हम लोग खा रहे हैं आज डिनर, वैसे तो भूख ज़्यादा नहीं है तो मेरे लिए चिकन और फ्राइड बनारस। तो ये मेन स्ट्रीट है, बस छोटा सा स्ट्रीट है और चाहूँ तो आज पार्टी कर सकता हूँ बहुत दिल खोल के, बट पार्टी करने का मन नहीं कर रहा, बस ये फीलिंग एंजॉय करने का मन कर रहा है। ऊपर चाँद भी है, आप भी है, मैं भी हूँ, पार्टी करने तो एकदम मन नहीं कर रहा। और ये है मैंने काउच सर्फिंग कर, और ये वीडियो ये भी ख़त्म करते हैं, अगले वीडियो पे दिखाएंगे बाकी का पनामा। चलो 50 कंट्री से पहला वीडियो ये भी ख़त्म करते हैं, कीप एक्सप्लोरिंग विद योर एक्सप्लोरर राजा।